रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। टूटे नहीं थे कभी हम तोड़े गए हैं, रोए नहीं थे जितने रुलाए गए हैं। माना कि इतने अच्छे नहीं हैं हम, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बुरे बनाए गए हैं। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाएं, रिश्तों को नहीं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता वह तकदीर में नहीं होता। सपने तो कभी न कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने दे वही अपने होते हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम हमेशा ध्यान से सुनते हैं। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो लोग जिससे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिसे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। बार बार आईना पोछा मगर हर तस्वीर धुंधली थी, ना जाने आईने पर ओस थी या हमारी आंखें गीली थी। दुनिया सिर्फ उसी का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश है, जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना होती हो, छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो वक्त पर साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। रिश्ता चाहे कोई भी हो, जिस दिन कोई कह दे कि वक्त नहीं मिलता, उस दिन समझ लेना चाहिए कि रिश्ता खत्म होने के समय आ गया है, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए वक्त की नहीं चाहत की जरूरत होती है। जब मन में चाहत होती है तो वक्त की कोई कमी नहीं होती। मैं बस खुद को अपना मानता हूँ, क्योंकि दुनिया कैसी है अब अच्छी तरह से जानता हूँ। बात करने के लिए टॉपिक नहीं, फीलिंग्स होनी चाहिए। छोटे थे तब जल्दी बड़े होना चाहते थे, पर आज समझ में आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने काफी अच्छे थे।